जॉइंट फैमिली क्या होती है ये तो आप सभी को पता होगा। सभी एक ही घर के अंदर रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं और उसी छत के नीचे सभी साथ में सोते भी हैं। पर अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी इस अजीबोगरीब दुनिया में एक जॉइंट टाउन है, इस टाउन के जितने भी रेजिडेंट्स हैं सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं, मानेंगे आप? क्या आप जानते हैं अलास्का में एक टाउन है जो पूरा का पूरा एक ही बिल्डिंग में सिमटा हुआ है। इनके स्कूल से लेकर चर्च तक सभी इसी बिल्डिंग के अंदर है। इनका पोस्ट ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में है और इनका मार्केट भी। कितना फैसिनेटिंग है ना, द शेयर आइडिया ऑफ अ होल टाउन लिविंग अंडर वन रूफ। आई नो आप में से कई लोग के लिए बड़ा ही वियर्ड ज़ॉम्बी अपोकैलिप्टिक टाइप का आइडिया होगा। आई वाज सो फैसिनेटेड, सच एन इंटरेस्टिंग अप्रोच टू कम्युनिटी लिविंग। चलिए अब आपको बताते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में। सो द विटियर टाउन वाज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर द विटियर ग्लेशियर, जो इस टाउन में एंटर करते समय आपको दिखेगा। एंड दैट ग्लेशियर वाज नेम्ड फॉर एन अमेरिकन पोएट नेम्ड जॉन ग्रीनलीफ विटियर इन 1915, जिसके बाद ही इस टाउन का ये नाम पड़ा। उससे पहले इसका नाम था कैंप सलिवन। अच्छा, इस नाम के पीछे भी ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो हुआ क्या कि ये जो बिल्डिंग आपके सामने आप देख रहे हैं ना, इट वाज एक्चुअली अ मिलिट्री बेस। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कंस्ट्रक्टेड अ मिलिट्री फैसिलिटी कंप्लीट विद पोर्ट एंड अ रेल रोड। यस, यू हर्ड इट राइट, एक पोर्ट और एक रेल रोड भी है इस टाउन में। एंड बिकॉज ऑफ द पोर्ट, यहाँ का सबसे कॉमन और ऑब्वियस जॉब लोगों का है फिशिंग। मोस्टली यहाँ पर लोग मछुआरे हैं। पॉपुलेशन यहाँ पर 200 से 250 के बीच है और क्योंकि यहाँ पर ठंड और स्नोफॉल काफी ज्यादा होती है, तो इन्होंने इस बिल्डिंग के अंदर ही अपनी ज्यादातर अमेनिटीज रखी हैं। बिल्डिंग के अंदर ही इनका स्कूल है, इनका ग्रोसरी स्टोर है, पोस्ट ऑफिस है, चर्च है, पुलिस स्टेशन भी पहले बिल्डिंग के अंदर ही था पर अब वो बिल्डिंग के बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा इनके पास बिल्डिंग के अंदर ही एक हॉस्पिटल भी है और क्योंकि बच्चे विंटर्स में बाहर नहीं जा सकते पर खेलना तो चाहेंगे, तो इन्होंने एक प्ले एरिया भी बनाया है इसी बिल्डिंग के अंदर। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग 14 स्टोरीज की है। यहाँ पर कई लोग रेंट पर भी रहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर कुछ फ्लैट्स खरीदे हुए हैं। रेंट यहाँ पर 400 से $500 के बीच में है और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। अब आपको इस टाउन के आसपास के एरियाज के बारे में बताते हैं जो कि काफी खूबसूरत है। सो जब आप टाउन के अंदर एंटर करते हैं तो आपको एक टनल से होकर गुजरना पड़ता है और इसी टनल के अंदर है इनके रेल रोड ट्रैक्स। टनल बना है अंडर द विटियर ग्लेशियर जो कि अपने आप में बेहद सुंदर है और इस ग्लेशियर की पहाड़ी के ऊपर से निकलती है एक मैजिकल रेजिंग वाटरफॉल। वाओ, इसके अलावा यहाँ के स्टनिंग व्यूज और लेक्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। एक लोकल क्राफ्ट स्टोर भी है जिसे आप विजिट कर सकते हैं। फिशिंग एंथुजियास्ट है तो फिशिंग करने भी जा सकते हैं। और हाँ, रेनडियर्स कैसे भूल सकते हैं। एक अबैंडन बिल्डिंग भी है यहाँ पर बाय द नेम ऑफ बकनर बिल्डिंग, जो कि एक और मिलिट्री बेस हुआ करता था पर अब एक खंडर बन चुका है। समथिंग स्पूकी फॉर माय हॉरर लविंग एंड एडवेंचरस फ्रेंड्स। और अगर ये सब भी कम पड़ जाए तो यू कैन गो ऑन अ क्रूज टू। इतने खूबसूरत व्यूज, इतना पीस और ट्रैंक्विलिटी, यहाँ जाकर तो कभी वापस आने का मन ही नहीं करेगा यार। एंड बिकॉज इट्स रियली कोल्ड हियर, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ समर सीजन में जाएं। बट अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए दुनिया की भीड़ भाड़ और मोह माया से दूर होना चाहते हैं तो यहाँ जाकर रह लीजिए, एक अपार्टमेंट रेंट कर लीजिए और बस जाइए कुछ महीनों के लिए यहाँ पर। मेरे जॉब में ना अगर वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल होता तो मैं तो पक्का चली जाती यहाँ पर। आपका क्या कहना है, जाना चाहेंगे यहाँ? Let us know in the comment section and I'll see you in the next one. Bye bye. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।